कांग्रेस के लोकप्रिय नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी साल में जमकर जोश दिखा रहे हैं। परिवर्तन रैली के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सीएम शिवराज के रथ पर भी जुबानी हमला बोला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रबल आवाज बने गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लोकप्रियता के बूते एमपी में कांग्रेस का सियासी बनवास खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सिंधिया ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा और जन आशीर्वाद यात्रा में प्रयोग होने वाले हाईटेक रथ पर अपने अंदाज में खूब हमला बोला। जिस मुख्यमंत्री ने 14 साल में अपना पैर जमीन में नहीं रखा, एक दिन भी गाड़ी से नहीं चले, या तो उड़न खटोले से और या तो प्लेन से, आज वही मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में बस में चढ़ के चल रहा है। और बस भी ऐसा मध्य प्रदेश परिवहन का बस नहीं, करोड़ों रुपए का बस नरेंद्र मोदी जी की गुजरात की कंपनी से बनाया हुआ बस, जहां पीछे मैं आपको बता दूं केवल भाजपाइयों के पास जासूस नहीं है, कांग्रेसियों के पास भी जासूस है। हमारे जासूसों ने बस को देख लिया है, बस के पीछे के सीट में ऐसा आलीशान मखमल का सोफा सेट लगाया गया है, बस के अंदर शौचालय है, 50 इंच का टेलीविजन की स्क्रीन है ताकि रात को आराम से मुख्यमंत्री मनोरंजन का चैनल देख पाए। और जब आपके गांव में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो बस के अंदर से ऐसी आवाज निकलती है, और भगवान रूप अवतार में मुख्यमंत्री प्रकाशित हो जाते हैं जनता के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेने जा रहे हैं या आशीर्वाद देने जा रहे हैं। दरअसल मैहर में परिवर्तन रैली में सिंधिया ने ऊर्जावान भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से अच्छी एमपी की सड़कों पर भी अनूठे अंदाज में तंज कसा। आप भी देखिए सिंधिया का ये अंदाज। जिस मुख्यमंत्री ने कभी मध्य प्रदेश की सड़कें नहीं देखी, एक बार अमेरिका चले गए तो अमेरिका का चस्का लग गया कि अमेरिका से अच्छे हमारे सड़कें हैं। अरे भाई, मैं आज कटनी से आया हूँ, होते हुए मैयर तक, कल मैं जबलपुर से हटा तक, हटा से दमो होते हुए हटा से कटनी तक मैं गया हूँ, पवई होते हुए मैं जो सड़कों का हाल देख रहा हूँ, ये सड़क नहीं है, सड़कों यहाँ तो सैकड़ों यहाँ गड्ढे हैं, ये तो मौत के अड्डे हैं। और मुझे बताया गया। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान संभाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोश चुनावी साल में सातवें आसमान पर है, लेकिन देखना होगा कि उनके इस अंदाज से जनता प्रभावित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज मैहर।